नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता और निर्देशक मनीष जी आचार्य, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, जो एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मनीष जी आचार्य एक भारतीय फिल्म निर्देशक और अभिनेता थे। आचार्य को लायंस ऑफ पंजाब प्रेसिडेंट के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था। इस फिल्म में उन्होंने अनुभाव पाल के साथ सहलेखन, निर्देशन, अभिनय और सह निर्माता के रूप में कार्य किया। 2007 में भारत और अमेरिका में आलोचकों की भरपूर प्रशंसा के साथ नाटकीय रूप से रिलीज हुई। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे शबाना आजमी, आयशा धारकर, अजय नायडू सहित कई अन्य कलाकार थे। मनीष आचार्य की अन्य फिल्म क्रेडिट 2009 में जोया अख्तर की फिल्म लक बाई चांस में एक कैमियो और नीना पाले की एनिमेशन फीचर फिल्म सीता सिंह द ब्लू में कथन शामिल है। मनीष जी आचार्य का जन्म 14 जून 1967 को हुआ था। मनीष आचार्य की मृत्यु 4 दिसंबर 2010 को माथेरान महाराष्ट्र भारत में हुई। ये प्रसिद्ध निर्देशक और अभिनेता थे। मनीष आचार्य ने अमेरिका के आयोवा में ग्रीनल कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से औद्योगिक संबंध में मास्टर डिग्री प्राप्त की। मनीष आचार्य ने अमेरिका की कॉर्पोरेट जगत में माइक्रोसिरेटेजी में मार्केटिंग प्रमुख के रूप में काम किया और प्रसिद्धि हासिल की। मनीष आचार्य को 27 साल की उम्र में मार्केटिंग पत्रिका के कवर पर चित्रित किया गया था। 30 साल की उम्र में मनीष ने फिल्म निर्देशन का अध्ययन करने के लिए कॉर्पोरेट अमेरिका छोड़ दिया और मास्टर ऑफ फाइन की उपाधि प्राप्त की। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी NYU के प्रतिष्ठित टिश स्कूल ऑफ आर्ट से कला की डिग्री ली। लायंस ऑफ पंजाब प्रेसिडेंट उनकी पहली फीचर फिल्म और साथ ही उनकी थीसिस फिल्म भी थी और ये भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अंग्रेजी भाषा की फिल्म थी। ये कॉमेडियन फिल्म थी दोस्तों। इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए IFFLA का 2008 का ऑडियंस चाइल्ड अवार्ड और डलास का सापोरो एशियन फिल्म फेस्टिवल का 2008 का सर्वश्रेष्ठ नैरेटिव फीचर अवार्ड शामिल है। दोस्तों, 4 दिसंबर 2010 को माथेरान भारत में एक घुड़सवारी दुर्घटना में मनीष आचार्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत नेरूल के अंबानी अस्पताल में ले जाया गया। मुआयने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके परिवार में उनकी पत्नी का नाम है ध्रुवी आचार्य और उनके दो बच्चे हैं मल्हार और अमन। दोस्तों, एक बार संक्षिप्त में फिर से जानकारी देना चाहूंगा मनीष आचार्य जी के बारे में। मनीष आचार्य जी का जन्म 14 जून 1967 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 4 दिसंबर 2010 को। ये एक भारतीय फिल्म निर्देशक और अभिनेता थे। मनीष आचार्य को लायंस ऑफ पंजाब प्रेसिडेंट के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाएगा। इस फिल्म में उन्होंने अनुभाव पाल के साथ सह लेखन, निर्देशन और अभिनय और साथ में सह निर्माण का कार्य किया। 2007 में भारत और अमेरिका में आलोचकों की भरपूर प्रशंसा के साथ नाटकीय रूप से रिलीज हुई इस फिल्म में मुख्य कलाकार शबाना आजमी, आयशा धारकर और अजय नायडू सहित कई कलाकार थे। दोस्तों,
इनके कुछ प्रमुख कार्य। पंजाब की कमर प्रस्तुतिकर्ता के रूप में 2007 में इन्होंने विक्रम तेजवानी के रूप में कार्य किया था। कर्म बुलावा 2009 में हवाई जहाज यात्री के रूप में इसमें कार्य किया इन्होंने। संयोग से भाग्य इसमें जो है कनिष्ठ कॉर्पोरेट 2009 में ये रिलीज हुई थी। स्वर्ग के बारे में हम सब कुछ जानते हैं 2004 में आई, इसमें वो छोटा बिल के रूप में थे। इन्होंने दो फिल्मों का निर्माण किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।